नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के एक गांव ढाणी दादूपुर में हरियाणा का पहला पशुधन जोखिम मुक्त गांव घोषित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन योजना के अंतर्गत हरियाणा का पहला जोखिम मुक्त गांव बनाया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक डॉक्टर काशीराम ने बताया कि गाँव लाइव राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत गांव के लगभग सभी मवेशियों का बीमा करवाया जा चुका है। उम्मीद है कि इसी तरह से अगर गांव में लोगों का सहयोग मिलता रहा तो स्वस्थ एवं जीवन संरक्षण देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पशुओं की असामयिक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु एवं बीमारी से मृत्यु तथा बिजली व जहरीले जीव के काटने पर मृत्यु, प्राकृतिक आपदा आग व बाढ़ आदि की चपेट में आने से होने वाले पशुओं की मृत्यु की स्थिति में पशुपालक को 60,000 रुपये अधिकतम 86,000 रुपये तक का मुआवजा भुगतान किया जाएगा। वहीं इस योजना में भाग लेने के लिए विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। हमारा एक छोटा सा गांव ढाणी दादूपुर जो कि हरियाणा में पहले नंबर पे आया है, जो हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना चलाई गई थी, उसमें हमारे गांव के टोटल जितने भी पशुपालक हैं उनके हर घर में हर पशु का बीमा किया गया है। हमारा एक छोटा सा गांव था जिसमें हमारे को साधिया डॉक्टर सुशील बिश्नोई लाली अस्पताल चिकित्सा से है, उनकी पूरी टीम ने पूरा साथ दिया। उनको हमने प्रेरित किया गया कि हमारा एक छोटा सा गांव है, इसके पूरे गांव में घर घर जाकर इसके बीमे की जाए। इसके लिए हम डॉक्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे गाँव वासियों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को पूरा साथ दिया। जो एक दो परिवार भी थे जो बीमा करवाना नहीं चाहते थे, उनको भी हमारे साथ लगकर पूरी पंचायत ने उनको भी बीमे कराने के लिए प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया। हमारा गांव नंबर वन बना रहा है, इसके लिए हमने हमारे को डॉक्टर ने भी विश्वास दिलाया है कि हमारा आपका स्वास्थ्य पूरा देंगे। और हमारे जो गांव के लोग हैं, जो कोई पशु बेच देता है उसके बदवारा पशु लेकर आता है, उसके लिए भी जो पशु लेकर आता है उसका बीमा करवाएंगे, ताकि हमारा गांव हरियाणा का नंबर वन बना रहे। हमारे गाँव में 106 बीमे हुए हैं 70 पशुपालकों के कह सकते हैं, जिसमें से 29 परिवार ऐसे अनुसूचित जाति से जो पिछड़ी जाति के गरीब परिवार कह सकते हैं, उनके 33 बीमे। ढाणी दादूपुर गांव के अंदर हर पशु का बीमा किया गया है हमारे पशु चिकित्सक ने और गांव की पंचायत ने, दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है। इस प्रकार ढाणी दादूपुर गाँव पूरे हरियाणा के अंदर पशुधन जोखिम मुक्त गाँव घोषित किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे हरियाणा में जाएगा, इससे पशुपालक प्रेरित होकर हर अपने गांव में हर पशु का बीमा करवाकर अपने गांव को पशुधन जोखिम मुक्त गांव घोषित करवाएंगे। मैं ये सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इससे हमारे पशुपालकों का बहुत फायदा होगा। जब भी कोई नुकसान होता है तो उनको इस जोखिम मुक्त जो स्कीम है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाइफ स्टॉक से कैटल सेंसस जो स्कीम है, इसके तहत उनको बहुत फायदा होगा। इसलिए मैं जो हमारा ये ढाणी दादूपुर गांव पूरे हरियाणा में एक जोखिम मुक्त गांव घोषित हुआ है, इसके लिए उस पूरे गांव वासियों को, पंचायत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद।